आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। माँ रेणुका का आशीर्वाद लेने पहुंचे भगवान परशुराम, हर कोई भाव विभोर। गक्कल में प्राइवेट स्कूल बस ने कुचल डाला सड़क किनारे खड़ा जई। ट्रांसपोर्टरों से मिलकर चलाई जाएंगी पीली बसें। कठुआ कांड को लेकर नाहन और शिमला में प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। इसे भीड़ तो कतई नहीं कह सकते, आस्था का सैलाब है ये। साल भर इंतजार में रहते हैं वक्त। यह महज एक मेला नहीं है, यहाँ माँ रेणुका के सारे बैतरणी पार कर जाने की आस हर व्यक्ति के हृदय में होती है। इस मन भावन संगम से बड़ी सच्चाई दुनिया में कोई और नहीं हो सकती। देखें, भगवान परशुराम अपने जन्मोत्सव पर अपनी माता श्री रेणुका जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और भक्त मन में ही गा रहे हैं रेणुका माये महामाये। वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के छठे अजर अमर अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ है, लिहाजा तीर्थ श्री रेणुका जी में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ददाहू परिसर से भगवान परशुराम की जमुकोटी तथा कटाह शीतला से आई देव पालकियों को शोभा यात्रा के लिए रवाना किया। जगह जगह पर देव पालकियों का स्वागत किया गया। भक्तों ने देव पालकियों में माथा टेक कर भगवान का आशीर्वाद लिया। बच्चे हों या बड़े, हर रोज हर घर में एक ही उपदेश सभी एक दूसरे को देते हैं, सड़क पर बचकर चलो, किनारे चलो आदि आदि। मगर तब क्या करें जब कोई सिरफिरा सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल कर मार डाले। ऐसे ही एक हादसे ने मंगलवार को सबको हिलाकर रख दिया है। धर्मशाला के साथ लगते गग्गल के सनोरा चौक में एक स्कूल बस ने सड़क के किनारे खड़े दो व्यक्तियों को कुचल दिया। इनमें एक व्यक्ति जो कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ अभियंता था की टांडा में मौत हो गई। अब हादसे के बाद पुलिस वही एक्शन लेने में व्यस्त है जो वह हर बार लेती आई है। क्या कहेंगे आप, यही कि अभी तक नूरपुर हादसे से कोई सबक नहीं सीखा। यह स्कूल बस पास ही के एक प्राइवेट स्कूल की थी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों नशे में धुत बताए जाते हैं। अगर यही सच है तो पुलिस और प्रशासन को कुछ बड़ा सोचने का मौका है। जिंदगी इतनी भी सस्ती तो नहीं है। बहुत भारी दुर्घटना हुई है यहाँ पे स्नोर चौक में, ये KBS पब्लिक स्कूल। आप बस देख रहे हैं और इस बस के अंदर ही जो है इन्होंने नमकीन भी फेंका हुआ है अपना। आइए हम आपको दिखा, इन्होंने इसके अंदर ही ड्रिंक की हुई है। तो हम लोग कैसे अपने बच्चों की सुरक्षा करवा सकते हैं जब ये देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है कि नमकीन पड़ा हुआ है यहाँ पे बस में, बीड़ी सिगरेट पड़ा हुआ है यहाँ पे। धर्मशाला में मंगलवार को पुलिस प्रशासन ने निजी स्कूल प्रबंधकों से बैठक कर स्कूल बसों की समस्या के समाधान पर चर्चा की। इस दौरान नगरोटा के विधायक अरुण मेहरा, RTO मेजर विशाल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जल्द ही निजी स्कूलों के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें कम टैक्स पर पीली बसें चलाई जाएंगी। स्कूल प्रबंधन को ट्रांसपोर्टरों से एग्रीमेंट करके भी बसें चलाने की छूट दी जाएगी। देखिए, ये जो स्कूल बसों की जो समस्या है इसको लेके हमारी एक मीटिंग हुई थी शिमला में, जो कि हमारे ACS साहब ने उनकी अध्यक्षता में हुई थी। और उसमें ये डिसाइड किया गया कि हिमाचल के लिए स्कूल बसों की अलग से एक गाइडलाइन बनाई जाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक नाबालिग के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ हिमाचल में भी जगह जगह प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को नाहन और शिमला में भी कई सामाजिक संगठनों ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन किया। सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए नाबालिग के हत्यारों को शीघ्र सजा दिलाने की मांग की। 2016 के बाद जो है हर रोज 106 केस जो है महिला हिंसा के सामने आ रहे हैं और आसिफा उन्नाव जैसे केसों के ने जो है देश के अंदर एक नई चीज जो है वो सामने लाई है कि अपराधियों को बचाने के लिए देश के झंडे को लेकर सामने आ रहे हैं कुछ लोग,
जो कि गंभीर चिंता का विषय है और हम उसका यहाँ पे विरोध प्रदर्शन उसके लिए कर रहे हैं। मंडी में हुए राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के चुनावों में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। मंडी जिला से निदेशक मंडल के पद के लिए हुए चुनाव पर भाजपा समर्थित एवं भाजपा जिला प्रभारी प्रियव्रत शर्मा ने जीत दर्ज की। उन्होंने केशव नायक को एक तरफा अंदाज में हराया। केशव नायक वर्तमान में राज्य सहकारी बैंक के निदेशक थे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केशव नायक पूर्व कांग्रेस सरकार के समय कड़े मुकाबले में जीत कर बैंक के निदेशक बने थे, लेकिन इस चुनाव में उन्हें एक तरफा हार का सामना करना पड़ा है। मंगलवार को हुए चुनाव में प्रियव्रत शर्मा ने 230 वोट प्राप्त किए, जबकि केशव नायक 30 मत ही ले सके। सबसे पहले तो मैं सभी सहकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतने भारी मार्जिन को लेकर के मुझे मतदान किया, मेरे पक्ष में मतदान किया। इस सॉपरेटिव हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक समिति में निदेशक बनने के बाद मैं सहकारी सभा की जितनी भी समस्याएं हैं उनको बैंक में उठाऊंगा। शहर के साथ लगते देरडू गांव की 38 वर्षीय सावित्री देवी का शव BSL जलाशय में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई तेज कर दी है। जलाशय में जिस हिस्से से शव बरामद हुआ है वहां आज दिन तक बाड़बंदी नहीं की गई है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि महिला की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। महिला की एक बेटी व बेटा है। आज सुबह पुलिस स्टेशन सुंदरनगर में सूचना मिली कि एक डेड बॉडी झील के बीच में दिखाई दे रही है, जिस पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा तो पाया गया कि सरस्वती देवी वैभव प्यारचंद गांव बेरडू जो दिनांक 13/4/2017 से 18 से घर से मिसिंग थी। पोस्टमार्टम करने के पश्चात डेड बॉडी बारसान के वाले बनाया अंतिम दाह संस्कार के लिए। हिमाचल प्रदेश में मौसम के मिजाज फिर बदल गए हैं। मंगलवार को रोहतांग दर्रे पर फिर से ताजा हिमपात हुआ। कुल्लू में आंधी तूफान ने और शिमला जुब्बल के कायना में भारी ओलावृष्टि ने खूब कहर बरपाया। ओलावृष्टि से सेब सहित अन्य नकदी फसलों को भारी नुकसान की सूचना है। मौसम विभाग की माने तो समूचे प्रदेश में 21 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। 19-20 अप्रैल को राज्य के शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन और सिरमौर जिले के एक दो स्थानों पर प्रचंड तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में 22-23 अप्रैल को मौसम साफ बना रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिव्य हिमाचल बुलेटिन इज पावर्ड बाय हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस कालाअंब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। न्यूज बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है और अब चलते चलते नूरपुर हादसे पर सरकार पेश नहीं कर पाई रिपोर्ट, हाई कोर्ट ने दिए 2 हफ्ते। टांडा अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदा मरीज, हुई मौत। ऊना में खैर कटान में 4 गिरफ्तार, टटेड़ा से सटे सरकारी जंगल में चली थी आरी। हिमाचली तड़का में आइए चलते हैं कुल्लू और देखते हैं सोनू जसवाल की आवाज में यह कुल्लवी लोकगीत। तेरा दुर्लो धारे होंडी होंडी थके जंगड़ू मारे ओथ जोड़िया से हरी जाकेरी मत लांदी तूला रे शादी बनी देशे ते बापुलो सारे तेरे तकरान जूरी है रोहे आसे कावारे है।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।